एग्जाम सर पे आ पहुंचे हैं, डेट शीट्स इशू हो चुकी हैं, हायर कमीशन एजुकेशन की तरफ से तमाम नोटिफिकेशंस इशू हो चुके हैं। क्या इस वक्त कोई न्यू मीटिंग कंडक्ट हो सकती है? क्या एनसीओसी का फैसला बदल सकता है? क्या एजुकेशनल मिनिस्टर्स की तरफ से इस बारे में कोई न्यू अपडेट आई है? तमाम डिटेल्स बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें फॉर ऑल रियल एंड ऑथेंटिक न्यूज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द बेस्ट न्यूज। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर बोर्ड्स अपनी डेट शीट ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं, डेट शीट इशू हो चुकी हैं, अक्सर बोर्ड्स ने रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी हैं फॉर प्राइवेट कैंडिडेट और बहुत जल्द रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए भी रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाएंगी। अब सिचुएशन कुछ यूं है कि कौमी असेंबली में अचानक से ऑपोजिशन लीडर की तरफ से इम्तिहानात के लिए और तलबा के हक में कुछ मजीद अपडेट सामने आई। उनकी तरफ से प्रॉपर एक तकरीर की गई जिसमें उन्होंने तलबा का साथ दिया और उन्होंने कहा कि तमाम स्टूडेंट्स के चूंकि पढ़ाई नहीं हुई पूरा साल, तो किस बेसिस पे उनके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं और क्यों लिए जा रहे हैं जब उनकी पढ़ाई नहीं हुई, उनकी क्लासेस नहीं हुई, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो हम नहीं एग्जाम ले सकते ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये तजवीज पेश की कि एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट की जाए। उस मीटिंग में तमाम 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं उनको देखा जाए, उन प्रॉब्लम्स को दोबारा से फोकस किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने मार्क्स को लेकर, वो आगे फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई सप्ली आ जाए या वो फेल हो जाए। तो इस सिचुएशन में उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन होना चाहिए। सो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स की दोबारा से उम्मीदें बन गई शफकत महमूद साहब की तरफ, दोबारा से स्टूडेंट्स उम्मीद लगा बैठे, दोबारा से कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि क्या प्रमोशन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बहुत अच्छे से बात क्लियर करती चलूं कि देखें, अपनी राय कोई भी दे सकता है, ठीक है, वो कौमी असेंबली है, कौमी असेंबली में बोलने का हर बंदे को हक होता है, हर बंदा उसके हवाले से तकरीर कर सकता है, अपनी तजावीज पेश कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई हतमी फैसला हो गया। एस सच कोई मीटिंग नहीं होने वाली एनसीओसी की, कोई दोबारा से फैसला नहीं बदले जाने वाला, आपके इम्तिहानात की जो डेट्स मुकर्रर हो चुकी हैं, आपके इम्तिहानात उन्हीं डेट्स पे होंगे। प्लीज ये वक्त र्यूमर्स पे फोकस करने का या आगे पीछे की खबरों पे ध्यान देने का नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि न्यू मीटिंग होगी, इंतजार करें, तो गलत कहता है, कोई न्यू मीटिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो टाइम है, आपने फोकस करना है अपने एग्जाम की तैयारी पे, ना कि इधर उधर के र्यूमर्स पे अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। कोई न्यू मीटिंग कंडक्ट नहीं होने वाली जिसमें आपके इम्तिहानात को कैंसिल करके आपको प्रमोट कर दिया जाए, ये सिर्फ लारा है जो कि आपके मजीद टाइम वेस्ट कर देगा। टोटल एक मंथ है, टोटल एक मंथ, ठीक है, आई एम सॉरी टू से नॉट वन मंथ फॉर ग्रेड 12 और ग्रेड 10, इट्स 10th जुलाई पेपर डेट, ठीक है। तो टोटल आपके पास 18 दिन या आप कह सकते हैं 17 दिन बाद आपका पेपर है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त फैसला बदला जाएगा और न्यू मीटिंग कंडक्ट होगी और कहा जाएगा कि नहीं बच्चों आराम करो, प्रमोशन हो गई है? To be very honest, AHA assistants आपको कभी गलत न्यूज प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको एग्जाम्स के हवाले से कभी मिसगाइड नहीं करेगा, क्योंकि इट्स नॉट द थिंग अबाउट व्यूज, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। सो प्लीज बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर हार्ड, स्टडी हार्ड, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।